और समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं, उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते, उनको रास्ता दिखा दीजिए। उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे। पूछिए मोदी जी, 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं, पूछिए ये जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है ये। इनसे सवाल पूछिए, जागरूक बनिए और 1 तारीख को इनका मार्गदर्शन करिए, दिखाइए इनको कि बेरोजगारी क्या होती है और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, जय हिंद। एक और बार, जय हिंद। एक और बार, और अब अखिलेश जी अपना भाषण करेंगे। धन्यवाद और एक ऐसी सरकार जिसने हमें और आपको समय समय पर धोखा देने का काम किया है। ये दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये जो लखनऊ वाले हैं वो तो बहुत ही उल्टा पुल्टा है। कम से कम गोरखपुर को बाढ़ से बचा लें, नौकरी रोजगार दें, स्वास्थ्य सेवाएं दें, ये स्वास्थ्य सेवा भी नहीं दे पाए, कैसे मुख्यमंत्री हैं बताओ, कैसी डबल इंजन है कि गोरखपुर आते आते विकास की हवा निकल जाती है, इनका इंजन खराब हो जाता है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर तो और चीजें महंगी तो हुई हैं, गाड़ियां तो महंगी। उन्हें जानकारी होगी कि जिस तरीके से भारत छोड़ करके तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके भागे भाग गए। इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, और भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई है कि यही नौजवान जब परीक्षा लिखने गया, अपनी तैयारी कर करके उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए हैं, और एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये नौजवान खड़े हैं जिन्होंने तैयारी की होगी, नौकरी की कोचिंग की होगी, वो जानते होंगे अभी तक 10 से ज्यादा जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं वो सबके पेपर लीक हो गए। तो उसे पता लगा कि उसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पर चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ,
ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं है, पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए। और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए जिससे आपके सालों साल खराब हुए, आपका जीवन का एक तिहाई जीवन बर्बाद किया। इसलिए मैं आप नौजवानों से अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में मदद करो समाजवादियों के और इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके हमारे भविष्य का नहीं है, ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। यहाँ हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है। कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, मुनिलाल यादव जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी बच्चा बंधु, मैं देख रहा हूँ अगर दिल्ली या लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को रोजगार बना दोगे या नहीं बनाओगे? कुशीनगर का एयरपोर्ट खुलता है, 5 महीनों से कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही है, अब चुनाव आया है तो शुरू हो गई और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरी केंद्र की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से चंदा लेने में व्यस्त, लेकिन आपके लिए काम करने में कोई व्यस्त नहीं है।